अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जुमे का दिन था, छुट्टी थी। मैंने सोचा आप लोगों को कुछ बर्ड दिखाऊं, तो मैं मलक मोहम्मद शकील जो मेरे मोहल्ले के मेरे कज़न हैं, इन्होंने कुछ मुर्गे रखे हुए हैं, सील, ब्लड लाइन सील, तो मैं आपको आइए इनका विजिट कराता हूं। शकील भाई अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये चेक करें इन्होंने माशाल्लाह कैसे इंतजाम कैसे किया हुआ है। ये ढांगी लगी हुई है। अच्छा, बैठने के लिए, मुर्गे के बैठने के लिए। ये मुर्गे जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना वर्जिश। अच्छा, वैसे मुर्गे की वर्जिश होती है, इसलिए इसलिए ढांगी लगी। मुर्गे की वर्जिश के लिए ये लगाई है माशाल्लाह। ये प्यार से हमें दिखा रहे हैं मुर्गा, चेक करें। ये देखिए, चेक करें मेरे भाईजान। ये शकील भाई कौन सी नस्ल है? ये लसानी नस्ल के मुर्गे हैं भाईजान। अच्छा माशाल्लाह, ये लसानी नस्ल के। चेक करें माशाल्लाह, आंख चेक करें। वाह क्या बात, गाटा चेक करें इसका। क्या बात है, क्या बात है। इसकी हाइट भी अच्छी लग रही है शकील भाई। हाइट भी माशाल्लाह ठीक है, 1 फुट 10 इंच है इसकी हाइट। अच्छा, इसकी हाइट बता रहे हैं एक कितने, 1 फुट 10 इंच। 1 फुट 10 इंच माशाल्लाह। शकील भाई छोड़े इसी तरह नीचे, इसके पास चेक करें, चेक करें। अभी जो सीजन आउट हो चुका है इसका, लेकिन देखभाल पूरी है। अच्छा जी माशाल्लाह, क्या क्या शकील भाई खिलाते हैं आप इन्हें? नहीं जी, बादाम है। अच्छा जी, बाजरा। अच्छा, बादाम भी खिलाते हैं? बादाम खिलाते हैं, तभी तैयारी लगती है माशाल्लाह माशाल्लाह। जो आपको मैंने दिखाई है बोरी पड़ी बादामों की, वो इन्हीं के लिए, कबूतरों और मुर्गों के लिए। ये माशाल्लाह, ये देखें, ये पट्टियां बंधी हुई है इसलिए कि फर्श के ऊपर जब चलते हैं ना, तो ये पांव के लिए जख्म नहीं होते, या फिर सर्दियों में चंडी नहीं डलती। ठीक है ठीक है, या सर्दियों में जब गीले हो जाते तो बीमार इसी वजह से होते हैं। इसी वजह से होते हैं, लेकिन ये सर्दी वाला पानी वाला इधर निजाम नहीं रखते सर्दियों में। ये साफ सुथरा उन्होंने माशाल्लाह रखे हुए हैं। ये इनके पिजन भी बैठे हुए हैं, चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह। अच्छा शकील भाई, ये कौन सी नस्ल है? ये लसानी नस्ल के मुर्गे हैं। लसानी नस्ल, इसको छोड़े जरा नीचे। अच्छा अच्छा क्या बात। अच्छा, ये एक और मुर्गा है शकील भाई के पास, ये इन्होंने अलग अलग रखे हुए हैं कमरे में। शकील भाई ये एक उधर रखा हुआ है, एक इधर रखा हुआ है, क्यों अलग अलग क्यों रखे हुए हैं? बाहर ले आए इसको, बाहर ले आए थोड़ा सा। ये इसलिए इधर रखे हुए, अलग अलग रखने पड़ते हैं। ये लड़ाई पूरी है, ये लड़ाई करते हैं जी, झगड़ पड़ते हैं आपस में, लड़ाई करते हैं। चलो ये चेक कर दिए। शकील भाई कौन सी नस्ल है? ये किल्ली ताज मुर्गे हैं। कौन से? किल्ली ताज। किल्ली ताज जी, ये किल्ली ताज है जी, मतलब ये जो इसकी किल्ली, ये ताज है, ये किल्ली जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मोरा चेक करें, बिल्कुल ब्लैक है। ठीक है, और आँख चेक करें, और गाटा भी माशाल्लाह। इसकी हाइट, हाइट इसकी 1 फुट 5 इंच है। 1 फुट 5 इंच। ये घर का पट्टा है। अच्छा, ये घर में ब्रीड करवाया? ये घर में ब्रीड, ये घर में ब्रीड करवाया माशाल्लाह, पट्टा आप चेक करें। शौकीन अगर आज समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये फुलिया जिसे को बोलते हैं, फुलिया जी जी, ये वही मुर्गा है। अच्छा 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 अच्छा, जैसे शिकारी लोग। ये इसकी उम्र कितनी शकील भाई? ये 8 महीने का है। अच्छा, अभी 8 महीने का पट्टा बोलेंगे फिर इसे? हाँ, पट्टा बोलेंगे। सही, चलो माशाल्लाह। और हैं इसके अलावा? जी जी, चलो वो दिखाएं। नली चेक करें, ये नली चेक करें मेरे भाईजान। ये देखें, ये नाखून ब्लैक नाखून के हैं, ये दोनों पाँव। कमाल की चीज़ है। ये शकीन अगर हाथ बेहतर समझते हैं ये क्या है क्या नहीं है। ये देखो, आपको ये फुलिया की समझ आ जाएगी तब ये आप जब ये बाल देखेंगे। ये बाल हैं? हाँ जी जी, गर्दन के ऊपर जो बाल है उसको फुलिया बोलते हैं। फुलिया बोलते हैं। ठीक हो गया। चलो शकील भाई अगला दिखाएं मुझे। ये एक इधर था इस कमरे में, एक इस कमरे में था, और एक ये इस कमरे में माशाल्लाह। ये देख चेक करें, ये अलग अलग रखे हुए, लड़ाई करते हैं। देखो जी शकील भाई, ये कौन सी नस्ल है? ये मियाँ वाली की नस्ल है भाई। अच्छा, ये मियाँ वाली की नस्ल है। हाँ जी माशाल्लाह। जिसे बोलते हैं ना खुलों वाला मुर्गा, खुले कंडे वाला मुर्गा। अच्छा, खुले कंडे वाला मुर्गा। हाँ, ये वो मुर्गा है माशाल्लाह। ये देखिए क्या बात है, चेक करें, और ये पर चेक करें इसके। ये देखें, खुले वाले परिंदे की यही पहचान होती है, उसके पर नहीं है, जो टूटते नहीं है। अच्छा, टूटते नहीं है? टूटते नहीं है। सही है, ठीक हो गया। ये पल्ला चेक करें इसका। ये शकीन अगर आप देखें, ये डारा वाला से 2 पीढ़ियां बढ़ चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़ चुका है। हाँ जी, ये इसकी आँख चेक करें, छोटी आँख है, सफ़ेद आँख का है ये, इसको मोती आँख बोलते हैं। अच्छा, मोती आँख है जी। ठीक है, ये देखें इसकी नली चेक करें माशाल्लाह। ये देखें, ये चेक करें कितना खूबसूरत है। ये बच्चे की तरह जो ना, इसके पाँव बड़े बड़े माशाल्लाह, जानदार मुर्गा है, और जान में, और कलर इसका देखें कितना अच्छा कलर है इसका। 1 फुट 5 इंच इसकी हाइट है। अच्छा, 1 फुट 5 इंच इसकी हाइट है माशाल्लाह। ये तैयार है, ये इसकी उम्र कितनी शकील भाई? ये
एक साल तीन महीने का है। अच्छा, एक साल तीन महीने का, माशाल्लाह। इसको छोड़ें आप नीचे। शकील भाई, आपने पिजन भी रखे हुए हैं और ये मुझे मारने के लिए आता है। मैं नया हूँ ना, ये इसलिए मुझे मारने के लिए आता है कि मैं कौन आ गया हूँ। आपने पिजन भी रखे हुए, मुर्गे भी रखे हुए हैं। मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई है ना, वो सफाई है। सफाई आपने रखी है। परिंदे जो बीमारियों से बचते ही सफाई रखने की वजह से हैं। बाकी आप बादाम वगैरह और जो है वो खुराक वगैरह इनकी बहुत अच्छी कर रहे हैं, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका शौक़ सलामत रखे और सब कुछ ठीक ठाक रहे।